वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जी एस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल दोस्तों आज है 8 मार्च और 8 मार्च की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगी इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के लास्ट में आपसे करंट अफेयर की क्वेश्चन का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आप हिस्ट्री की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप एंड स्क्रीन पर या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए जहां पर हिस्ट्री की वीडियोस की लिंक मिल जाएगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने रुपए के सिक्के की घोषणा की है तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है बीस रुपए तो इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा तो केंद्र सरकार ने बीस रुपए की हाल ही में सिक्के की घोषणा की है और मैं आपको बता दूं सरकार पहले ही इससे पहले एक रुपए दो रुपए पांच रुपए और दस रुपए की भी सिक्के जारी करने की योजना बना रही है और हालांकि सरकार ने इस नई श्रृंखला के सिक्कों को जारी करने की कोई निश्चित डेट की घोषणा नहीं की है लेकिन बस इस चीज की घोषणा की है कि बीस रुपए का सिक्का आएगा और वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि नया बीस रुपए का जो सिक्का होगा वो तांबा जस्ता और निकल से बनाया जाएगा और ये 27 मिलीमीटर mm का होगा और इसका वजन 8.54 ग्राम होगा और इसके सामने की ओर अशोक स्तंभ की प्रतीक सिंह चतुर्भुज और स्तंभ शीर्ष के नीचे सत्य में उत्कीर्ण होगा और हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया शब्द इसमें प्रतीक के क्रमशा दाएँ और ओर स्थापित किया जाएगा ठीक है तो ध्यान रखेंगे केंद्र सरकार ने हाल ही में बीस रुपए के एक नए सिक्के की घोषणा की है तो ऑप्शन बी सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड गूगल ने हिंदी अंग्रेजी पढ़ने में बच्चों की सहायता के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है तो यहां पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट right आंसर है ये जो एप का जो नाम है उसका नाम है बोलो ऑप्शन ए सही हो जाएगा तो देखिए दिग्गज कंपनी गूगल ने एक नया ऐप बोलो का हाल ही में अनावरण किया है जिसका उद्देश्य प्राथमिक स्कूल के बच्चों को हिंदी और अंग्रेजी में पढ़ना सिखाना है और एक फ्री ऐप है जिसे सबसे पहले भारत में ही लॉन्च किया जा रहा है और ये गूगल की स्पीच रिकॉग्निशन और टेक्स्ट टू स्पीच रिकोगनीशन तकनीक का उपयोग करेगा और इस ऐप में एक एनिमेटेड चरित्र दिया है जो दिया का मतलब करेक्टर का नाम दिया है ठीक है दिया एक एनिमेटेड uh, करेक्टर uh, है जो बच्चों और कहानियों को जोर से पढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करती है और यदि बच्चा एक शब्द का उच्चारण करने में असमर्थ है तो वो इसमें मदद करती है और पाठक की प्रशंसा भी करती है जब वह कोई भी बालक इसको पूरा करता है यानी कि पढ़ने का काम जब पूरा करता है तो ये जो दिया नाम का करेक्टर है वो उसको हेल्प करता है और उसकी प्रशंसा भी करता है ठीक है यहाँ पर देखिए गूगल की बात की गई तो मैं आपको बता दूँ गूगल कंपनी की स्थापना सन उन्नीस में की गई थी जिसके संस्थापक लैरी पेज और सरकी ब्रिन थी और इसका मुख्यालय अमेरिका देश के कैलिफोर्निया में, जिसके में है जिसके सीईओ वर्तमान में सुंदर पिचाई हैं ठीक है तो ध्यान रखेंगे गूगल ने हिंदी अंग्रेजी पढ़ने में बच्चों की सहायता के लिए एक बोलू ऐप लॉन्च किया है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड हाल ही में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का एक सौ सदस्य बना है तो यहां पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है मलेशिया ऑप्शन सी सही होगा तो मलेशिया अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का सदस्य बन गया है और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय दुनिया की एकमात्र स्थायी युद्ध अपराध अदालत है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय अदालतों के समर्थक या अनुच्छुक चलाना है मैं आपको बता दूं कि मलेशिया वर्ष 2002 में अदालत की स्थापना के बाद ये इसका एक सदस्य बन गया है आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा देश हाल ही में यानी कि पिछले वर्ष के पहले दो में इस तरह की अदालत को छोड़ने वाला पहला देश बन गया यानी कि पहला ऐसा कौन सा देश है जिसने ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को छोड़ दिया था तो पहला देश था बुरुंडी ठीक है ये आप ध्यान रखेंगे लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि एक नया देश यहाँ पर कौन बना है तो वो बना है मलेशिया जो कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का एक सदस्य है ठीक है तो ध्यान रखेंगे यहां पर देखिए मलेशिया की बात की गई है तो मलेशिया की राजधानी है क्वालमपुर वहां की मुद्रा है मलेशियाई रिंगित राइट तो आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर हाल ही में देश भर में जन औषधि दिवस कब मनाया गया तो देखिए यहां पर चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट right आंसर है सात मार्च ऑप्शन डी सही होगा तो देखिए सात मार्च को हाल ही में देश भर में जन औषधि दिवस मनाया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में पाँच हजार जन औषधि भंडारों को भी संबोधित किया और वो जन औषधि केंद्रों के मालकों और योजना की लाभार्थियों से भी बातचीत उन्होंने की है मैं आपको बता दूं कि कुल छह जिलों में पाँच से अधिक पचास प्रधानमंत्री भारतीय जनता परिषद पर्षदीजी कार्यात्मक स्थापित किए गए ठीक है तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में में देश भर दिवस सात मार्च को मनाया गया है तो ऑप्शन डी सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव हाल ही में वेब वंडर वुमन समारोह का आयोजन कहां पर किया गया तो इसका जो राइट आंसर है नई दिल्ली ऑप्शन बी सही होगा तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में नई दिल्ली में वेब वंडर वुमेन हेतु एक समारोह का आयोजन किया है और ये महिलाओं की असाधारण उपलब्धियों का जश्न मनाने हेतु आयोजित किया गया था जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ा रही हैं और इसमें कुल तीस महिलाएं थीं जिन्हें एक व्यापक शोध प्रतिक्रिया के बाद चुना गया था और उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी द्वारा प्रत्यक्ष रूप से सम्मानित किया गया था ठीक है तो आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है तो इसका जो राइट आंसर है अजीत कुमार मोहंती ऑप्शन सी सही होगा तो देखिए वैज्ञानिक अजीत कुमार मोहंती को हाल ही में भाभा अनुसंध परमाणु अनुसंधान केंद्र बी का निदेशक नियुक्त किया गया है और उन्हें तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है और वो वर्तमान में बी में भौतिकी समूह के निदेशक और शाह नाव के भौतिक संस्थान के निदेशक हैं और मैं आपको बता दूं कि मुंबई में स्थित बार्क यानी कि बी ए आर सी ये भारत का अग्रणी परमाणु अनुसंधान केंद्र है और ये विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान करने वाला केंद्र है यहाँ पर देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बी ए आर सी की बात की गई है तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका मुख्यालय कहां है तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के ट्राम्बे में है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन किस राज्य ने शिल्पकारों के लिए मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू की है तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा ऑप्शन डी सही होगा तो देखिए शिल्पकारों के प्रति सराहना के प्रतीक के रूप में ओडिशा सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री कारीगर सहायता योजना शुरू की है और ये योजना उन्हें मासिक सहायता प्रदान करेगी और 10 वर्ष से अधिक का अनुभव रखने वाली कारीगरों को एक लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले जो शिल्पकार होंगे उन्हें आठ सौ रुपए प्रतिमाह की सहायता प्राप्त करने का इसमें प्रावधान है और अस्सी साल से अधिक उम्र वाले शिल्पकारों को इसमें एक हजार रुपए मासिक भत्ता दिया जाएगा ठीक है यहाँ पर देखिए ओडिशा की बात की गई है तो मैं आपको बता दूँ ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर वहां के सीएम है नवीन पटनायक गवर्नर है गणेशी लाल और इस राज्य की लोकसभा से कुल 21 सीटें हैं राज्यसभा से कुल 10 सीटें हैं और विधानसभा की अगर हम बात करें तो विधानसभा में कुल एक सीटें आती हैं ठीक है ठीके? और यहाँ के सीएम मैंने आपको बता ही दिया कि नवीन पटनायक हैं गवर्नर गडी लाल हैं और इस राज्य का जो प्राचीन नाम है वो है कलिंग इस राज्य की स्थापना एक अप्रैल उन्नीस को हुई थी और इस राज्य में ही हीराकुंड बांध है चिल्का झील भी है ठीक है तो आपका सेवेंथ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट भारत तथा किस देश के बीच अल नगा दो हजार संयुक्त सी सही होगा तो भारत और ओमान के बीच द्विपक्षीय संयुक्त तो अभ्यास का तीसरा संस्करण अल नगाय दो हजार उन्नीस बारह मार्च दो हजार उन्नीस से ओमान की जबल अल पहाड़ियों पर शुरू होगा और ये कुल पच्चीस मार्च तक जारी रहेगा और इसमें देखिए दोनों सेनाएं युद्ध कौशलों और हथियारों की संचालन गोलाबारी में विशेषज्ञता और अनुभवों का आदान प्रदान करेगी और इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो आतंकवाद विरोधी अभियानों में अंतर संकृतिया को बढ़ाना है ठीक है यानी कि आतंकवाद के विरोध में काम करना है तो आपका यहाँ पर देखिए ओमान की बात की गई है तो मैं आपको बता ओमान जो देश है उसकी राजधानी मस्कट है और वहां की मुद्रा है ओमानी रियाल राइट तो आपका एट्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद एसीआई के अनुसार 40 मिलियन से अधिक यात्रियों की श्रेणी में शीर्ष पर कौन सा हवाई अड्डा रहा है तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुंबई ऑप्शन डी सही होगा तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिषद एसीआई ने हाल ही में रैंकिंग जारी की है जिसमें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को 40 मिलियन से अधिक श्रेणी में आकार और क्षेत्र के आधार पर हवाई अड्डे के पुरस्कार से सम्मानित किया है और ये पुरस्कार एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव के सम्मान में दिया गया है तो यह भी आप ध्यान रखेंगे मैं आपको बता दूं कि दुनिया के तीन बिलियन से अधिक यात्रियों की आवाजाही वाले किसी भी एयरपोर्ट ऑपरेटर के लिए उच्चतम संभावित ये पुरस्कार है और पुरस्कार समारोह इंडोनेशिया की बाली में आयोजित किया जाएगा राइट तो ध्यान रखेंगे इसमें पहले स्थान पर मुंबई हवाई अड्डा रहा है ठीक है तो ऑप्शन डी सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप के लिए भारतीय टीम का कप्तान किसे बनाया गया है तो इसका आंसर हो जाएगा मनप्रीत सिंह ऑप्शन ए सही होगा तो हॉकी इंडिया के अनुसार अट्ठाईस में सुल्तान अजलान शाह कप में खेलने के लिए मनप्रीत सिंह को 18 सदस्यीय भारतीय हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया है और इसमें सुरेंद्र कुमार टीम की उप कप्तान होगी और भारत अपने अभियान की शुरुआत जापान के खिलाफ पहले दिन 23 मार्च को करेगा ठीक है और टूर्नामेंट में भाग लेने वाले देशों में भारत मलेशिया मेजबान कनाडा और कोरिया दक्षिण अफ्रीका एशियाई खेल स्वर्ण पदक विजेता जापान भी इसमें शामिल है ठीक है मैं आपको बता दूं कि सुल्तान अजलान साहे का वार्षिक अंतरराष्ट्रीय पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है और जो मलेशिया के तेईस मार्च दो हजार उन्नीस से इसका आयोजन किया जाएगा राइट तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन हाल ही में देहरादून मसूरी रूपवी परियोजना की आधारशिला किसने लखी है तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है त्रिवेंद्र सिंह रावत ऑप्शन सी सही होगा उत्तराखंड तो के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून मसूरी रोपवे परियोजना की हाल ही में आधारशिला रखी है और इसे एक पर्यटक नवीनता माना जा रहा है और 300 करोड़ रुपए की लागत वाली रोपवे प्रोजेक्ट की तीन वर्ष में पूरा होने की उम्मीद है और केबल संचालित परियोजनाओं का निर्माण करने वाली फ्रांसीसी कंपनी पोमा रोपवे की तकनीकी सहायता प्रदान करेगी ठीक है आपका इलेवेंथ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस के साथ किस बैंक ने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड बैंक ऑप्शन ए सही होगा तो देखिए यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ने निजी जीवन बीमा कंपनी एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और इस साझेदारी के माध्यम से यूनाइटेड बैंक के ग्राहक जीवन बीमा उत्पादों वितरण और ग्राहक सेवा में एच डी एफ सी लाइफ की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकेंगे ठीक है यहाँ पर देखिए बात करें यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है तो उसका मुख्यालय कोलकाता में यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के जो सीईओ है वो है अशोक कुमार प्रधान और एच डी एफ सी लाइफ का मुख्यालय की बात करें तो वो मुंबई में है ठीक है तो आपका ट्वेल्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ नेक्स्ट देखते हैं कल की क्विज का आंसर तो कल आपसे पूछा गया था दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीतने वाली पहली एशियाई टीम कौन बनी है तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीलंका ऑप्शन सी सही होगा और आज की क्विज का सवाल है हाल ही में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस अवार्ड किसने जीता है तो यहाँ पर देखिए चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं तो अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और इसका आंसर जरूर दीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और उसको शेयर जरूर कीजिए साथ ही साथ अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हिस्ट्री की हमारी वीडियो सीरीज को जरूर देखिए तो हिस्ट्री का आधुनिक भारत की जो हिस्ट्री है उसमें वीडियो नंबर फोर पोस्ट किया जा चुका है उसकी इंड स्क्रीन में आप लिंक देख सकते हैं उसको देख सकते हैं साथ ही साथ इसकी जो और भी वीडियो है वो भी आती रहेंगी ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार